Hello friend, today watching episode, third episodes of the work from home idea workshop calculations. आज हमें पहाना रहो workshop calculation मधील algebra चे algebraic formula पहाना रहो. Algebraic formula जे आपण वापर करणार आहोत algebra मध्ये, जिसका पूरे पूरा इस्तेमाल हम algebra में करने वाले हैं उसका. तो नंबर वन हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू, अभी इसका स्क्वेयर ब्रैकेट में है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर. इसका फार्मूला बनेगा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी. देन सेकंड इज ए माइनस बी स्क्वेयर. इसका फार्मूला होने वाला है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर. अब ये माइनस होने से ये आ जाएंगे यहाँ माइनस टू ए बी. थर्ड है ए प्लस बी स्क्वेयर. ठीक है, देखिए ये वाला नंबर वन एंड थ्री बोथ आर सेम, बट इसको हम अलग इसको तरीके से भी लिख सकते हैं. इसको a माइनस बी स्क्वेयर प्लस फोर ए बी. अभी आप सोच रहे होंगे कि यही फार्मूला इसको हम दूसरे तरीके से लिखा गया, तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यही फार्मूले का. जैसे कि मैंने बताया a प्लस बी स्क्वेयर का क्या ये कैसे हो रहा है. मान लीजिए a माइनस बी का हो रहा है, देखिए a माइनस बी का स्क्वेयर का हो रहा है आंसर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस टू ए बी. ठीक है, प्लस फोर ए बी. अब ए बी ए बी तो ऑलरेडी जैसा है वैसा ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है. लेकिन ये दोनों में यहाँ पे फोर माइनस टू हो जाएगा, तो यह हमारे पास पड़ जाएगा टू ए बी. अब देखिए ये वाला और ए सेम फार्मूला है ए प्लस बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी है वही फार्मूला से, बस इसको सिंप्लीफाई किया जाता है. इसमें नेक्स्ट है नंबर फोर ए माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए बी. ये भी देखिए नंबर टू वाला जो फार्मूला है सेम नंबर टू और नंबर फोर सेम ही है, बट इसमें हमने माइनस फोर ले लिया है यहाँ पे. इसको मैं एक बार सिंप्लीफाई कर देता हूँ. ए प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला इसका आंसर बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. ठीक है, और माइनस फोर ए बी ये तो हमारे पास कॉमन जैसा है वैसे ये लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे इसमें, और इसका बन जाएगा माइनस टू ए बी. अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये क्या का फार्मूला है, ये माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, सेम फार्मूला. नंबर फाइव ए प्लस बी ए माइनस बी. इन दिस सिचुएशन अगर ऐसी सिचुएशन होती तो इनका सिंपल सा आंसर बनता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर.
इसको मैं एक बार आपको इधर सिंप्लीफाई कर देता हूँ, और एक बार ए प्लस बी इंटू बात करते हैं ए माइनस बी, बी बी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बी एंड ए ए बी प्लस एंड माइनस माइनस। अब इंटू करेंगे ए बी, ए इंटू बी ए बी, ये प्लस ये प्लस, ये ऊपर साइन रहेगा और ए ए ए ए स्क्वायर, ये माइनस वाला प्लस वाला कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग रहेंगे हमारा ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर। आ गया सर यहाँ पे से, नंबर सिक्स फार्मूला, नंबर ए प्लस बी क्यूब। अब देखिए यहाँ पे हम ये क्यूब वाला ले रहे हैं, यहाँ पे इसका बनेगा ए क्यूब बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी। नंबर सेवन ए माइनस बी क्यूब, इसका बनेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इन ब्रैकेट ए माइनस बी। नंबर एट ए क्यूब बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। नंबर नाइन्थ ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट सॉरी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एंड लास्टली नंबर टेन ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर का बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू बी सी प्लस टू सी।